एक बोरा तो देखिए, एक बोरा वहाँ पे लोड कर दिया गया है, हालांकि उसको हम देखने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि आखिर इस बोरा में कौन सा अनाज है। आप देख सकते हैं ये आपका इसरा चावल है। हालांकि जो है नीलामी होना था अरवा चावल का, लेकिन कन्वर्ट हो गया इसरा चावल में। अभी हम नवादा ज़िले के पकरी वर्मा प्रखंड के ब्लॉक परिसर के FCI गोदाम के पास हैं। ये लेटर जो देख रहे हैं ना, ये लेटर 24/11/2022 को प्रखंड कार्यालय परिसर में एक ट्रक पकड़ाती है, जब्त होती है, उसमें 540 बोरा अरवा चावल का रिपोर्ट दिया जाता है जब्त करने के बाद। FCI के गोदाम के पास है और यहाँ जो है हमसे बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका ओपिनियन क्या आता है। शुभ नाम बता दीजिए सर। नीरज कुमार। 24/11/2022 को आपके अधिकारी, तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन अधिकारी क्या करते हैं, क्या करते हैं, चावल की जब्ती हुई थी, जब्ती करते हैं अधिकारी या एमओ साहब जब्ती किए हैं? हाँ, एमओ साहब जब्ती किए हैं। हाँ, उसके बाद में कौन सा चावल था? अरवा चावल। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसका गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पिछड़ा AGM उसको डाइवर्ट कर दिए, गुणवत्ता 6 महीने में ख़राब हो जाती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अरवा चावल को हटा के उसना चावल उसको कर दिए। नीलामी की प्रक्रिया हुई? हाँ। इसमें कितने लोग प्रेजेंट हुए? इसकी जानकारी नहीं, ऑफिस से हुई है। इसकी जानकारी आपको नहीं है? ये अरवा चावल इसरा चावल में कैसे कन्वर्ट हुआ? चावल जो पिछड़ा AGM ने मुझे जानकारी दिया है कि चावल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अरवा चावल कुछ उसका लेटर है आपके पास? उसका लेटर है, मौखिक है। उनके पास सतेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, इसी व्यक्ति के नाम से जो है यहाँ पे जब्त चावल ले जाया जा रहा था, यहाँ पे वो भी मौजूद है। उनसे भी हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कौन सा अनाज है। ये अनाज 24/8 को ऑक्शन हुआ था, डाक हुआ था, डाक में हमने सबसे हाईएस्ट बोली लगाया 1625 का रेट, वही माल हम ले जा रहे हैं। उस माल में कौन सा अनाज है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसना चावल है। हाँ, जब्त जो हुआ था उसना चावल जब्त हुआ था अरवा चावल। हाँ, उसना चावल में लेकिन एक मिनट, कन्वर्ट हुआ कि वो चावल को यहाँ गोदाम में जो उलट पुलट हुआ तो कुछ अरवा चावल भी बचल था। हाँ, जो घटल है उसना चावल जाएगा। वहाँ अरवा चावल का नमूना दिखाया गया था, ठीक है। फिर आपने ये क्या बोलते हैं, इसना चावल कैसे ले जा रहे हैं? तो अरवा चावल हमको जो मिलेगा गोदाम से वही लेंगे भैया। उनका सेम भाव था? भाव सेम है, दोनों का भाव सेम था। भाव सेम है। कितना लेके जा रहे हैं गोदाम से, कितना देर लेके जा रहे हैं? अभी इस पर 80 बोरा लदा हुआ, हमको टोटल लेना है 270 क्विंटल। हाँ, धर्मकांटा से लेना है। कितना पैसा लगा होगा? पैसा 4,38,750 रुपये। सर, पकरी वर्मा TPDS गोदाम में जैसा कि लोगों का आरोप है कि अरवा चावल जो है जब्त किया गया था, इसके बदले में जो है उसरा चावल जो दिया जा रहा है, इस संबंध में मैं DMSFC और वहाँ के जो MO हैं उनसे मैं बात किया हूँ और उन जांच के लिए कहा हूँ। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, FCI गोदाम पर वेट मशीन होती है कि नहीं? वेट मशीन गोदाम पर नहीं, जाके धर्मकांटा पर जाके वो तोलवाते हैं। अच्छा, उसका जो रेट होता है वजन रेट, वो किनको देना है? वो डीलर देंगे कि गोदाम मैनेजर देंगे? जो वो इसके लिए एक एजेंसी है, एजेंसी के द्वारा गोदाम से वहाँ उठा ले जाकर ये डीलर की दुकान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है ना जी। कहीं वेट चार्ज जो होगा धर्मकांटा पर, वो सब वो भी एजेंसी के ही देना, एजेंसी के द्वारा। SDO नवादा सदर।